नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, अगर हम स्विगी या जोमैटो पे अपने रेस्टोरेंट, अपने क्लाउड किचन, अपने ढाबे, अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि फूड से रिलेटेड है उसको लिस्ट कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हाँ जी स्विगी और जोमैटो पे हम अपना खाना बेच सकें, अपना पकाया हुआ जितना भी पकवान है वो बेच सकें, तो हमको क्या क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, किस तरीके से पड़ती है? और सबसे पहला जो लाइसेंस होता है वो होता है फूड लाइसेंस। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। तो हमारे साथ हैं अर्पित जी जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं फॉर फूड लाइसेंस फॉर स्विगी एंड जोमैटो लिस्टिंग एज वेल। तो अर्पित जी मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो में। अर्पित जी थोड़ा सा बताएं कि हाँ जी कोई भी बंदा जैसे स्विगी और जोमैटो पे जाता है तो पहले मैं ये पूछना चाहूंगा क्या कोई एज लिमिट है, क्या कोई ऐसी चीज है कि हाँ जी जो बंदा जाता है, क्योंकि हम इसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में ज्यादा रखेंगे उससे लोगों की क्वेरीज ज्यादा सॉल्व होती है और लोगों को मजा भी आता है, बिकॉज वैल्यू फॉर एडिशन समथिंग कुछ मिलता है उनको। तो आइए बात करते हैं, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हाँ जी कौन कौन बंदा इसको शुरू कर सकता है, क्या कोई एज लिमिट है? सर फूड लाइसेंस के लिए कोई एज लिमिट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं है, बट लेकिन जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो उनमें स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है कि आपके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है, तो दैट मींस कि आप 18 प्लस होने चाहिए। और ऑब्वियसली सर 18 प्लस अगर आप हैं तो आपके पास एक पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको। तो जब भी हम लोग कोई भी अगर पर्सन अपना खाना स्विगी या जोमैटो पे सेल करना चाहता है या उसको प्रमोट करना चाहता है तो ऑब्वियसली उनके पास एक सेपरेट एक एंटिटी होनी चाहिए, और एक फूड लाइसेंस इज द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, मैंडेटरी लाइसेंस एक है जो फूड लाइसेंस होना चाहिए, और उसके लिए कोई एज लिमिट अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 18 इयर्स और अबव। अच्छा थोड़ा सा मैं इससे पहले के शुरू करूं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हाँ जी स्विगी और जोमैटो का फायदा क्या होता है, क्योंकि आज भी मेरे पास एक ऐसी ही कॉल आई थी, किसी ने मेरे से ये पूछा था कि हाँ जी हम स्विगी और जोमैटो को क्यों लें। मैंने उनसे बोला कि हाँ जी स्विगी और जोमैटो से आपकी लॉजिस्टिक का सपोर्ट ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर हम ही खाना बनाएंगे और हम ही डिलीवरी करेंगे तो बस हो गया फिर तो काम। तो स्विगी और जोमैटो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अगर अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं तो उसके बाद स्विगी और जोमैटो वाले आपसे ऑर्डर ले जाएंगे और कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचा देंगे, यहां तक कि उनकी वेबसाइट पे जो लोग ऑर्डर करते हैं फूड बाइंग वाले पे उनको आपकी मदद मिल जाएगी और आपको उनकी मदद मिल जाएगी। तो बेसिकली एक मैच मेकिंग टाइप वेबसाइट्स हैं स्विगी और जोमैटो, बट यहां लिस्ट कराने के लिए कुछ लाइसेंसेस की जरूरत होती है। बेसिकली सिर्फ फूड लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, जीएसटी की भी जरूरत होती है और किस किस चीज की जरूरत होती है, बताएं थोड़े सर पीजी। सर इसमें सबसे पहले तो आपकी कोई एंटिटी होनी चाहिए, या तो हम लोग सोल प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं या हम सेपरेटली एक कंपनी बना के काम कर रहे हैं। अगर आप मेरी एडवाइस लेंगे तो हमें कंपनी बना के काम करना चाहिए, एक एंटिटी सेपरेट रहती है जिसमें आपकी सारी बिजनेस इनकम उसमें रहती है, बिजनेस एक्सपेंसेस उसमें होते हैं, सो दैट मींस कि आपके एक बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले फूड लाइसेंस, जो हमारा FSSAI लाइसेंस है, और स्विगी और जोमैटो या कोई भी अगर हम फूड डिलीवरी कोई गेटवे बनाते हैं, कोई चैनल है, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिकली स्टेट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टेट लाइसेंस हम लोगों को चाहिए, अप्लाई करना है, सारे चीजें सब पूरा प्रोसेस है, और उसके बाद सबसे मेजरली जीएसटी, क्योंकि कोई भी अगर आपका अब जैसे भी जीएसटी काउंसिल की अब जो मीटिंग हुई थी उसमें ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया था कि स्विगी और जोमैटो अपनी डिलीवरी पे जीएसटी चार्ज करेगी, अपने सारी सर्विसेज पे जीएसटी चार्ज करेगी। तो आपको जीएसटी का इनपुट लेने के लिए आपको जीएसटी मैंडेटरी है, आप जीएसटी जरूर लीजिए। और जहां तक जैसे सर आप बात कह रहे थे कि क्या क्या बेनिफिट हैं स्विगी और जोमैटो में लिस्ट करवाने के, सर बहुत बिल्कुल इट गोज हैंड इन हैंड, आपके प्रोडक्ट को आपने खाने को आपको प्रमोशन मिलती है, आपको डिलीवरी के लिए कोई बंदे नहीं रखने के, आपको कोई एग्जीक्यूटिव अपने को सैलरी पे पर्सन नहीं रखने हैं, आपके पेमेंट गेटवे स्विगी एक अपने आप में पेमेंट गेटवे है, आपको पेमेंट गेटवे लेने की टेंशन नहीं है, पेमेंट आने की कोई टेंशन नहीं है, स्विगी अपने आप पेमेंट लेता है, अपने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है जो भी चार्जेस काट के। दूसरी चीज है आपके बिजनेस को ग्रोथ ऐसी मिलती है कि आप अपनी ब्रांचेस जगह जगह पे ओपन कर सकते हैं। अगर आप एक जगह बैठे हैं, दिल्ली के एक कोने में बैठे हैं, नॉर्थ दिल्ली में आप बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आप साउथ दिल्ली में अपना ब्रांचेस खोल सके तो आप बहुत इजीली खोल सकते हैं। तो बेसिकली जो क्लाउड किचन का जो फॉर्मेट है वो स्विगी और जोमैटो से बहुत ज्यादा ईजी हो चुका है, बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है।
इवन मैंने ये चीज भी देखी है कि हाँ जी जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट ढाबास थे उनके लिए भी प्रोसेसिंग इजी हो गई, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी बंदा बैठ के नहीं खाना चाहता बिकॉज ऑफ कोरोना। कोरोना आने के बाद कि हाँ बिल्कुल जी किसी भी रेस्टोरेंट में बैठना एक खतरे से खाली नहीं है, लोग ये चाहते हैं कि हाँ जी हमारा खाना पैक करा के कोई हमको घर तक पहुंचा दे, हम एडिशनल कॉस्ट देने को तैयार है। अब ये तो बायर की बात रही, अब एज ए सेलर हम बात करें तो अगर आप कोरोना के टाइम पे अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आप कितना बड़ा बिजनेस शेयर लॉस कर रहे हो अपने लिए, वो आप खुद ही जानते हो कि हाँ जी बाकी के लोग अगर ऑनलाइन है और आप ऑनलाइन नहीं है तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा अर्पित जी, थोड़ा सा मुझे बताएं कि हाँ जी फूड लाइसेंस लेते हुए किन चीजों का ध्यान रखें अगर हम स्विगी और जोमेटो पे अपने आप को लिस्ट करा रहे हैं। सर, सबसे पहले चीज तो हमें बेसिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लेना है, आपको हमेशा स्टेट लाइसेंस लेना है। स्टेट लाइसेंस का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक स्टेट के ले रहे हैं। जो फूड एफएसएसएआई है, जो फूड लाइसेंस है, वो बेसिकली टर्नओवर बेस्ड है। बट कुछ स्पेसिफिकली अगर हम लोग ले रहे हैं, कुछ चीजों के लिए डील करते हैं, तो उसमें स्टेट लाइसेंस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड किया गया है। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स पे अगर हम लोग अपना कुछ खाना बेच रहे हैं या डिलीवरी करवाएं, ग्रोसरीज देते हैं, या आप स्विगी जोमैटो पे अगर हम लोग अपना खाना दे रहे हैं, तो उसके लिए स्टेट लाइसेंस सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज, आपको जब भी अगर आप फूड लाइसेंस अप्लाई किए तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपने पास जरूर रखिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग अप्लाई कीजिए। तीसरी चीज, जब भी अगर फूड इंस्पेक्टर आपके पास आता है तो अपने फूड की टेस्टिंग जरूर कराएं, फूड का टेस्ट जरूर कराएं, अपनी हाइजीन प्रॉपर रखें, अपने रेस्टोरेंट की, अपने एम्प्लॉयज की, अपने आसपास जगह की हाइजीन सेफ्टी सबसे पहले रखिए। क्योंकि आजकल फूड इंस्पेक्टर सबसे पहले यही चीज देखता है कि आसपास की लोकेलिटी में साफ सफाई कितनी है या नहीं, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके फूड लाइसेंस को जल्दी लेने के लिए और आपके बिजनेस को जल्दी से लिस्टिंग करवाने के लिए। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, अमूनन कितना टाइम लग जाता होगा, मतलब अगर कोई फूड लाइसेंस के लिए है, मतलब प्रक्रिया शुरू करना चाहता है, इवन अगर उस कोई हमारी मदद भी चाहता है सपोज कि हाँ जी हम उनकी मदद करें, तो अमूमन कितना समय मिल जाता है, मतलब कि हाँ जी पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए फूड लाइसेंस लेने में। सर मान के चलिए मिनिमम एक महीना लग जाता है, 1 month, अब मिनिमम 1 month लग जाता है। बट कुछ केसेस में हम देखते हैं कि जल्दी भी आ जाता है, पर जैसे हम लोग को प्रोसेस करते हैं तो इट गोज ऑन अ चेन बाय चेन, एक चेन के बाद दूसरी चेन आती है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स के बाद उसकी स्क्रूटनी की जाती है। उसके बाद अगर अगर किसी भी इंस्पेक्टर को लगता है कि वहां पे जाके इंस्पेक्शन करनी ज्यादा जरूरी है, तो वो पहले इंस्पेक्ट करते हैं सबसे पहले जाके। तो आप ये मान के चलिए कि इट गोज, एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, बट आप मिनिमम 30 days लिख लें। केस टू केस इसमें जल्दी भी आ सकता है, बट लेकिन मिनिमम 30 days जरूर मान के चलिए कि कम से कम 30 दिन तो जरूर लगेंगे। उसके बाद कितना टाइम लगता है वो इट विल डिपेंड अपॉन द स्टेट, इट विल डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रिक्ट, एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द इंस्पेक्टर कि हो सकता है इंस्पेक्टर अगर छुट्टी पे है तो उसका जो सबॉर्डिनेट है वो कितना फास्ट आपके मैटर को टेकअप कर रहा है। मेरे को थोड़ा सा ये भी बताइए कि लेटेस्ट अपडेट आई है अभी रिसेंटली कि हाँ जी अगर कोई भी बंदा बिल लेता है जैसे कस्टमर और वो फूड आउटलेट से बिल लेता है, तो सुनने में आ रहा है कि हाँ जी फूड लाइसेंस के एफएसएसएआई नंबर डालना उस बिल पे मैंडेटरी हो गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा हुआ है कि जितने भी फूड जो फूड सेलर्स हैं, चाहे वो स्वीट शॉप हो, चाहे वो कोई ग्रोसरीज दे रहे हो, तो उनका फूड लाइसेंस नंबर डालना बिल्कुल बिल्कुल मैंडेटरी है। 1st of October से ये मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो कभी भी आपके ऊपर इंस्पेक्शन हो सकती है, आपका फूड लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और आपके ऊपर पीनल प्रोविजंस, पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ये क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है हम सर हमारे लिए कि फूड लाइसेंस एक ऐसी चीज है जो सबसे लोग, चाहे कितना मर्जी, चाहे वो अर्न करें ना करें, खाना जरूर खाएंगे। और जब खाना जरूर खाएंगे तो फूड इंस्पेक्टर हमारा, फूड डिपार्टमेंट ये मानता है कि हम उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें। तो इसी चीज के लिए जो फूड लाइसेंस है, ताकि अगर कोई किसी को स्पेसिफिकली खाना खा के अगर कोई बीमार होता है या उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ट्रैक कर सकें कि इट शुड बी अ वेरी ट्रैकिंग डिवाइस कि आपने यहां से खाना लिया था, यहां से आपने चीज परचेज करी थी और यहां से इसकी वजह से आपको ये हुआ, तो एटलीस्ट वो वहां जाके इंस्पेक्शन कर सकें, वहां जाके वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकें कि ऐसा ऐसा हुआ है तो आपकी इंस्पेक्शन की जाएगी। इसी चीज के लिए फूड लाइसेंस नंबर डालना जरूरी किया गया। थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि हाँ जी अगर जैसे हम फूड लाइसेंस लेते हैं तो उसको रिन्यू करने की भी जरूरत पड़ती है और उसकी रिटर्न भी जाती है हर साल, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। सर बिल्कुल है सर, आपका जो फूड लाइसेंस होता है वो मिनिमम 1 साल के लिए मिलता है और मैक्सिमम 5 साल के लिए मिलता है। तो अगर आपने 1 साल के लिए लिया तो आपको हर 6 महीने बाद, मतलब जब आपका
एक्सपायर हो रहा है उसके विद इन सिक्स मंथ्स आपको अपना फूड लाइसेंस को रिन्यू कराना है, ताकि आपका फूड लाइसेंस नंबर सेम रहे। वरना अगर आप नया लेते हैं तो आपका फूड लाइसेंस नंबर चेंज हो जाएगा, तो उसको रिन्यू कराना जरूरी है। जितने भी FBOs हैं, FBO का होता है सर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, उनको अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। तो एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए आपको एनुअली उसको बिल्कुल प्रॉपरली फाइल करना है। कुछ डेडलाइंस दे रखी है फूड डिपार्टमेंट ने, हालांकि कोविड के सिनेरियो में थोड़ी सी एक्सटेंड हो चुकी है, बट स्टिल आपको वो रिटर्न्स फाइल करनी है। तो अभी मान के चलिए कि फूड लाइसेंस जो जो सोच लेते हैं कि सर एक्चुअली क्या है ना, कि हम लोग सोचते हैं कि हमें स्विगी जोमैटो पे लिस्ट करना है, हम लोग खाना बेचेंगे, बट इट बहुत ईजी है, ऐसे नहीं है इजी नहीं है, बट लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंप्लायंसेस पूरे करने हैं, आपको चैनलाइज प्रॉपरली होना चाहिए, ताकि आपका जो रिव्यूज हैं आपके जो प्रॉपर, क्योंकि आपका क्वालिटी मेंटेन करता है सर, क्वालिटी आपको कितना खाने में क्या टेस्ट है, क्या क्वालिटी है, कैसे उसकी प्रेजेंटेशन है, वो बहुत मैटर करती है, और उसी के ऊपर आपके रिव्यूज आते हैं, उसी की आपकी लिस्टिंग बढ़ती चली जाती है। तो आपको ये डे वन से ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से और कितनी जल्दी आप अपने सारी चीजों को कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, बट मैं एक चीज और ऐड करूंगा यहाँ पे कि अगर जैसे सपोज आपने कभी फूड लाइसेंस लिया है तो हर साल आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अगर आप रिटर्न नहीं भरते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी बहुत हेफ्टी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आज तक आपने फूड लाइसेंस ले रखा है और आपने रिटर्न नहीं भरी है तो उसको भरना चालू कर दीजिए। जो भी लोग ये बोलते हैं कि हाँ जी आपको FSSAI लेने के बाद कोई रिटर्न भरने की जरूरत नहीं करती या पड़ती नहीं है, वो आपके साथ एक तरीके का खेल खेल रहे हैं, और जिस खेल में नुकसान सिर्फ आपका होगा क्योंकि फूड लाइसेंस आपके नाम पे है। दूसरी चीज ये है कि हाँ जी रिन्यूअल टाइम पे कराएं, रिन्यूअल टाइम पे नहीं कराएंगे तो लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा, और एक्सपायर होने के बाद एक टाइम लिमिट होती है जिसमें ग्रेस पीरियड मिलता है। अब अगर वो भी एक्सपायर हो गया फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका फूड लाइसेंस रद्द हो जाएगा, फिर आपको दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर दोबारा पैसे देने पड़ेंगे, और हम नहीं चाहते कि आपके पैसे लगे, इसीलिए हम ये सारा सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके समक्ष ला रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए और लाइक जरूर करिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं इन सारे टॉपिक्स को ढूंढने में, लाने में, आप तक पहुंचाने में। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है रचित जी के साथ वो ये है कि हाँ जी सर ये बताएं कि हाँ जी Zomato और Swiggy दो अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों अलग प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग अलग तरीके से होती है, सारी चीजें अलग हैं। अब अगर सपोज कोई अपने घर से सामान बेचना चाहता है फूड लाइसेंस लेके, तो क्या वो ऐसा कर सकता है कि फूड लाइसेंस घर के एड्रेस पे मिल सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिल सकता है सर। जो हमारा Swiggy और Zomato है, जो क्लाउड किचन का जो कॉन्सेप्ट है, वो यही कहता है कि यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम योर ओन होम। तो अपने घर से चीजें स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अपने घर से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। यू शुड बी हैविंग अ प्रॉपर किचन, आपके प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप उसको दिखा सको, और दिखाने के लिए आपकी एटलीस्ट आपका सारी चीजें मेंटेन्ड हो। ऐसा नहीं है कि वहीं पे आप खाना बना रहे हो और वहीं पे गंदगी है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज है कि आप अपने घर से काम स्टार्ट कर सकते हो। जितने भी आप होम कुक्ड फूड्स होते हैं, जो टिफिन सर्विसेज होती है, वो ज्यादातर हम लोग देखते हैं वो घर से स्टार्ट करते हैं। और अगर हम लोग मेट्रो सिटीज की बात करें या जो मेट्रो सिटीज से जुड़ते हुए शहर हैं उनकी बात करें, तो वो बहुत सारे ऐसे जगह पे टिफिन सर्विसेज बहुत ज्यादा बूम पे है, और सारी सिर्फ सब लोग घर से ही कर रहे हैं। तो आप घर से अपना काम बिल्कुल हमेशा तैयार स्टार्ट कर सकते हो, और अपने बिजनेस को, जो आपका बिजनेस आप सोचते हो कि आपको टर्नओवर बहुत अच्छी रहे, तो आप वो भी उसको बढ़ा सकते हो। ओके, तो मतलब आसानी से हम ये लोग ये काम कर सकते हैं, और इवन अगर कोई चाहे तो इजीली इस काम को बहुत ही प्यार से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी नाम लपेट के आराम से कर सकता है। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये कि हाँ जी कौन ऐसी अथॉरिटी है जो इश्यू करती है फूड लाइसेंस, या फूड बिजनेस ऑपरेटर कौन सा है जब हम रेलवे प्रीमिसेस पे कुछ चीज बेचना चाहते हैं? तो सर एक्चुअली क्या है कि जब हम फूड लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें रेलवे का अलग से ऑप्शन होता है। अगर हम किसी भी रेलवे स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे अगर हम कुछ चीजें अपनी फूड का आउटलेट लगाना चाहते हैं, एक हॉकर स्टाइल लगाना चाहते हैं, तो हमें रेलवे डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स, जो स्पेसिफिकली फूड लाइसेंस के ऑफिसर्स होते हैं, दैट इज SFOs, जो आपके फूड लाइसेंस ऑफिसर्स हैं जो FBOs के सारे काम करते हैं, वो आपको आपका FSSAI नंबर देते हैं, फूड लाइसेंस नंबर वही इशू करते हैं, वही आपकी इंस्पेक्शन करते हैं, और लाइसेंस मिलने के बाद भी उसकी इंस्पेक्शन की जाती है कि वहां पे ऐसा तो नहीं है कि फूड लाइसेंस लेके वहां पे कुछ और बेचा जा रहा है। तो इस चीज की बहुत प्रॉपर रेलवेज, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी है, इट्स अ मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और रेलवेज में कोई भी प्राइवेट सेक्टर अभी तक नहीं एंटर हुआ है, और इसी चीज के लिए फूड रेलवे डिपार्टमेंट ने यह बहुत स्पेसिफिकली कर दिया गया है
कि कोई भी FSSAI हमारी अप्रूवल के बिना नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले रेलवे की अप्रूवल आएगी, उसके बाद फूड लाइसेंस को अप्रूव किया जाएगा, वरना कोई भी लाइसेंस अप्रूव नहीं किया जाएगा। ओके ओके, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का निर्णय लिया उन्होंने भी। अब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हाँ जी कई बार हमने फूड लाइसेंस किसी और से अप्लाई किया था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, उनके एड्रेस चेंज होना चाहते हैं। ऑल्दो हमने इस पे पहले भी वीडियो बनाया था, बट मैं इस पे दोबारा पूछना चाहूंगा कि हाँ जी क्या एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद, फूड लाइसेंस आ गया, क्या हम उसमें दोबारा मॉडिफिकेशन करा सकते हैं? सर बिल्कुल करा सकते हैं सर, आपने अपनी अगर आप कोई भी चेंजेस करा सकते हैं। समझ लेते हैं आपका लाइसेंस आपने एक साल के लिया है और उसके बाद आपको अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपना उसमें कुछ ईमेल आईडी चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, पर्सन चेंज करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और उसमें मॉडिफिकेशन की स्पेसिफिकली फीस होती है, आप वो मॉडिफिकेशन की फीस पे करिए और उसमें जितने भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं और करने के विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपके पास रिप्लाई आ जाता है, रिवर्ट आ जाता है फ्रॉम द अथॉरिटी, और उसके बाद आपको जो अपडेटेड FSSAI नंबर है या अपडेटेड फूड लाइसेंस जो सर्टिफिकेट है वो आपको इश्यू कर दिया जाता है। ओके, तो मैं थोड़ा सा ये चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे सपोज कोई बंदे के पास पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, जैसे कोई बंदा बाहर, ये जो छोटे छोटे प्रमिसेस होते हैं कि हाँ जी एक छोटा सा खोखा मिल गया साइड में, क्या उसको भी वो रजिस्टर करा सकता है स्विगी जोमेटो पे फूड लाइसेंस लेने के बाद? सर बिल्कुल करा सकते हैं, जैसे हम लोग हॉकर्स की बात करते हैं जो रेडी वे काम करते हैं, या जो वो फूड जिसको बोलते हैं वो आजकल बहुत चाइनीज वैंस जिसको बोला जाता है, वो वैंस लगा के काम करते हैं, वो भी बिल्कुल आप काम कर सकते हो। आपको अपनी जो लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है आपको उनसे अप्रूवल चाहिए, वो अप्रूवल आपको अपने फूड लाइसेंस के साथ देने, तो फूड लाइसेंस अभी मान के चलिए सर, फूड लाइसेंस फूड डिपार्टमेंट FSSAI डिपार्टमेंट इतना हेल्पफुल है, वो खुद चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस बढ़ाओ, वो इतने सपोर्टिव हैं आपकी हर चीज में कि आप बस अपना बिजनेस बढ़ाइए आप, लेकिन आप ये जरूर रखिए कि आप फूड लाइसेंस जरूर लीजिए, फूड लाइसेंस लीजिए और अपने खाने को बेचिए, प्रमोट कीजिए। इसी चीज के लिए उन्होंने बहुत सारे गेटवेज बना दिए हैं, ई कॉमर्स के लिए आप अपना फूड लाइसेंस लीजिए, जिससे कि आपको हर बिजनेस को अगर आपको मोटिवेट करना है, प्रमोट करना है, तो आप कर सकें। ओके ओके, तो धन्यवाद अर्पित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारी चीजों पे बहुत अच्छी तरीके से रोशनी डाली। अब मैं अपने व्यूअर्स से सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे वो क्वेरी पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम करने में पूरी मदद करेंगे, पूरी सहायता करेंगे। दोस्तों दूसरी बात यह है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, यहां तक देख चुके हैं, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और से जो बेल बटन है उसको जरूर दबा दिया करिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि आने वाला वीडियो हो सकता है कि आपके लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशनल हो और ज्यादा फायदेमंद। तो धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।